जगराज सिंह पिंड फेरू राही जिला लुधियाना ने दसिया कि मैं तकरीबन 30 कु खाड़े अमरजोत ते चमकीले दे बेखे हन। उदों साढ़े पिंडों एक बस तड़के 6 बजे लुधियाने जांदी सी। चमकीले दा साजी हरजीत गिल उस बस वाले नूं दस दिंदा सी कि चमकीले दा अखाड़ा 50 किलोमीटर दे एरिए विच कित्थे लगना है। चमकीला साढ़े पिंड फेरू राही जोधपुर चीमे माछी सिंघां वाला ते 2 कालसा अखाड़े ला के गया सी। मैं अपने एरिए दे सारे अखाड़े देखण समय सिर पहुंच जांदा सी। पिंड कालसा दा एक शराबी चमकीले नूं गुस्से विच आखदा सी कि तुसीं जिजा लक मिण लै गाणा नहीं गाणा। जदों उसने इह दुगाणा अखीर विच गा दित्ता सी तां उस बंदे ने गुस्से विच लूण वाले पकौड़ियां दी बुक भर के अमरजोत ते चमकीले दे मूँह ते मारी सी। इसे गलों अमरजोत ते चमकीला अखाड़ा बच्चे बंद करके छेती छेती गड्डी विच बह के चले गए सी। मैं चमकीला जी नूं कई बार मिलिया भी सी। एक बार लुधियाने उन्हां दे दफ्तर भी गया सी। उन्हां मैनूं हिक उत्ते सो जावे रिकॉर्ड खरीद के दित्ता सी क्योंकि रायकोट मैनूं इह रिकॉर्ड 250 रुपये का मिलता सी। असल विच उस समय इह रिकॉर्ड बाहरों ब्लैक विच मिलता सी। एक दिन मैं चमकीला जी दे दफ्तर चला गया सी। उन्हां अखाड़ा भी लाउण जाणा सी। कहिंदे यार तूं तां बड़े चक्कर च पाता सानूं। अमरजोत जी ने कहा कि इस मुंडे नूं रिकॉर्ड लै के दो। फिर चमकीला जी ने हरजीत गिल नूं कहा सी कि इस मुंडे नूं रिकॉर्ड लिया के दे। यही रिकॉर्ड ओह 50 रुपये का लैके आया सी। मैं चमकीला जी नूं रिकॉर्ड दे पैसे देने चाहे पर उन्हां मेरे कोलों पैसे नहीं ले ते आखण लगे यार इन्नी दूरों तू साडे कोल चल के आया असी पैसे नहीं लैने तेरे कोलों। जदों चमकीले का छोटा रिकॉर्ड कंपनी विच्चों निकलदा सी तां इस दी कीमत 15 रुपये हुंदी सी। इह लुधियाने 30 रुपये का बिकदा सी ते कोटकपुरे श्री मुक्तसर साहब पहुँचदे यह रिकॉर्ड 250 रुपये का हो जाता सी। उस समय अमरजोत ते चमकीले दे रिकॉर्डा की इन्नी मंग सी कि बहुत छेती ही डीलरां कोल रिकॉर्ड खत्म हो जाते सी। बाकी कलाकारां दे रिकॉर्ड तो उदों बिकते ही नहीं सी। जसवंत संधीले दे बिल्कुल नवे रिकॉर्ड जिहड़े उदों गुप्ते कोल पए सी किसी ने पुछे तक नहीं सी। लोग अखाड़ियां विच भी ज़्यादा चमकीले ते अमरजोत नूं ही बुक करदे सी। बाकी उस समय सीतल सिंह सीतल चरणजीत चन्न ते रमले नूं लोकी बुक करदे सी। बाकी कलाकार छिंदा सदीक नूं तां कोई घट ही पुछदा सी। कंपनी वल्लों सांझे रिकॉर्डां ते अमरजोत ते चमकीले दे दगाणे पाउण दा मतलब इह सी कि इस रिकॉर्ड तो ज़्यादा कमाई हो जावे। जिस रिकॉर्ड च अमरजोत ते चमकीले दे दगाणे हुंदे सी उस रिकॉर्ड च बाकी कलाकारां दे गीत कोई घट ही सुणदा सी। अमरजोत ते चमकीले दे दगाणियां वाला पासा घस जांदा सी ते बाकी कलाकारां वाला पासा साफ ही रहिंदा सी। श्री मुक्तसर साहब तो एक दोस्त ने दस्या कि सन 1983 दी गर्मियां दे दिनां विच असीं अपने घरे प्रोग्राम ते अमरजोत ते चमकीले नूं बुक कीता सी। साडे घर नूं इक कच्चा रस्ता जांदा सी। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही सी। अमरजोत जदों लंघ रही सी तां चिक्कड़ ज़्यादा होण करके उसका पैर तिलक गया सी। अमरजोत दे कपड़े भी खराब हो गए सी। अमरजोत इस गल्लों हस भी रही सी। बाद विच साढ़े घरे उसने दोबारा कपड़े बदले सी। इह अखाड़ा बारिश होण करके बहुत खराब होया सी ते अमरजोत दे डिगण दी गल अखाड़े विच भी होई ते हादसा भी पिया सी। पर अखाड़ा चलदा रहा सी ते लोग बारिश होने के बावजूद भी अखाड़ा देखते रहे सी। पदमपुर राजस्थान तो गुरपाल सिंह ने दसिया कि साढ़े पिंड जदों अमरजोत ते चमकीले का अखाड़ा लगा सी तां उत्थे अमरजोत ते चमकीले का अखाड़ा देखण आए लोगों का इकट्ठ बहुत ही ज़्यादा हो गया सी। भीड़ विच कई मुंडे अमरजोत नूं देखण लई स्टेज दे मूहरे हो रहे सन। मैनूं याद है कि साढ़े पिंड दे एक मुंडे ने अमरजोत नूं अख मार दित्ती सी। जदों उस मुंडे नूं पता लगा कि इह गल चमकीले कोल पहुँच गई है तां उह मुंडा अखाड़ा खत्म होण ते अमरजोत कोल माफ़ी मंग के गया सी। इह प्रोग्राम समय तो वध चलिया सी। पिंड अधरेड़ा जिला रोपड़ दे दलजीत सिंह ने दस्या जो इस समय फौज च हन
मैं अमरजोत ते चमकीले दे तीन अखाड़े देखे हन। 1984 च जदों ओह बसी पठाणा कोल पिंड नंदपुर कलोड शाम नूं सर्दी दे दिनां विच प्रोग्राम करन आए सी, असी सवेर दे बैठे चमकीले नूं उड़ीक रहे सी। उदों इकट्ठ भी बहुत ज़्यादा सी ते हनेरा भी थोड़ा थोड़ा हो गया सी। लोग घरां नूं जाण लग पए सी, पर अमरजोत ते चमकीले दे आउण ते लोग वापस आ गए सी। उन्हां नूं दुनिया बहुत प्यार करदी सी ते सुणन लई लोग भजदे सी। 1986 च सोतल ते 1987 च कमाली मैं इन्हां दे प्रोग्राम देखे। सोतल पिंड विच तां इन्ना इकट्ठ सी जे चोल भी सुट दिओ तां ओह लोकां उपर डिगणगे। चमकीला उदों नवें गीत पहलां ही गा दिंदा सी, इस करके लोग उदों टेप रिकॉर्डर च इह गीत भर लैंदे सी। बाद विच दुकानां वाले इहो अखाड़े वालियां कैसटां बेच के चंगी कमाई करदे सन। चमकीला इस गल्लों गुस्से भी बहुत हुंदा सी। उदों ब्याहां शादियां वेले स्पीकरां च अमरजोत ते चमकीले दी अखाड़े वाली रिकॉर्डिंग ही बजदी रहिंदी सी। जदों मैं 10वीं दे पेपर पा रिहा सी उदों इन्हां नूं मार दित्ता गया सी। मैं इन्हां दा फैन सी। अमरजोत ते चमकीले दे मरन नाल मैनूं इंज लगा जिवें मेरे शरीर दा इक हिस्सा खत्म हो गया होवे। असी सारे बच्चे स्कूल जांदे समें जां अद्धी छुट्टी वेले चमकीले दीआं लिखीआं किताबां पढ़ के गीत गाउंदे हुंदे सी। इक बार आनंदपुर कलोड पिंड लुल्लों गुरमीत बाबा आई सी। मैनूं चंगी तरां याद है कि उस दे आउण तों पहलां स्पीकरां च चमकीले दे अमरजोत ते दुगाणे ही वज रहे सन। अखाड़ा देखण आए लोग गल्लां कर रहे सी कि अज इत्थे चमकीले दे अमरजोत दा अखाड़ा लगना है। मैं सदीक दे अखाड़े भी देखे हन, पर उन्हां दे आउण तों पहलां गीत चमकीले ते अमरजोत दे ही चलदे हुंदे सी। लोग अमरजोत ते चमकीले नूं इन्ना प्यार करदे सी कि उदों चारे पासे रात नूं स्पीकरां च इन्हां दे दुगाणे ही वजदे हुंदे सी। हुण तां सब कुछ खुल्ला है, उदों तां फिर भी पर्दा सी। कई कहिंदे उन्हां माड़ा गाया, पर मैं कहना चाहुंना कि उस समें लोग बुद्धू सी जां अनपढ़ सी जो उन्हां नूं सुनना नहीं आउंदा सी। उस समें अखाड़े विच अमरजोत ते चमकीले नूं देखण वालियां च औरतां दी भीड़ भी बहुत हुंदी सी। इन्हां नूं मार के किसे नूं कुछ नहीं मिलिया, असीं तां अज भी उत्थे ही खड़े हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तो, मिलदे हाँ कल एक होर नवी जानकारी दे नाल। बाई जी, इत्थे एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करन लग्गिया। मार्केट दे विच अमर सिंह चमकीला जी दी जिंदगी दे आधारित दो किताबां आईयां जी। पहली दा नाम है आवाजां अमर रहणगियां, दूजी हैगी है जी पंजाबी सभ्याचार दे अनमोल रत्न। ये दोवें किताबां मेरे बड़े भाई शमशेर सिंह सोही जी ने लिखियां, जिन्हां दी कि पहली किताब अमरजोत दे आखरी बोल नूं तुसी बहुत प्यार दित्ता सीगा। बाई जी दा नंबर थल्ले डिस्प्ले हो रहा जी, तुसी इन्हां नाल कंटैक्ट करके अपना एड्रैस इन्हां नूं भेज के किताबां अपने घरे मंगवा सकते।